हेलो स्टूडेंट, आज किस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पदार्थ एवं वर्गीकरण का, इसका पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आप लोगों को टोटल 1 से लेकर 20 तक हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले इस वीडियो में, आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है, जो भी इस रसायन शास्त्र में आपका चैप्टर 2 में क्वेश्चन आंसर, इसका हम पूरा आंसर देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में किस तरह का प्रश्न दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आपको कोई देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहां पर देखिएगा, पहला का क्या कह रहा था लघु उत्तरीय प्रश्न का, इसका हम पूरा उत्तर जानेंगे। क्या धातुओं तत्व हो सकती है, अति लघु उत्तरीय का मतलब ही है कि आपको एक लाइन में ही जवाब देना है। ठीक है, आपको दो लाइन में नहीं पहुंचाना है। तो देखिए, क्या धातुओं तत्व हो सकती है, बस इसका जवाब देना, धातु क्या तत्व हो सकता है। तो देखिए, धातु तत्व हो सकता है, हाँ कैसे हो सकता है, जैसे चांदी, सोना, ये सब क्या हमारा धातु है। तो धातु क्या तत्व है, बिल्कुल तत्व है। तो आपको कैसे आंसर देना है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि हाँ तत्व होते हैं, क्या होते हैं, तत्व होते हैं। एग्जांपल में तांबा, चांदी, सोना, ये सब क्या हमारा तत्व है, यही आपका आंसर लिखना है। ठीक है, यही क्या लिखना है, आपको आंसर लिखना है। सर, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन करा, दो पदार्थ के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है ना, वो क्या कहलाता है। तो वो यौगिक कहलाता है, यानी कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड यानी यौगिक, यहाँ पर लिख लेना, यौगिक कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वायु के मुख्य अवयव को क्या कहते हैं। तो वायु के मुख्य अवयव को क्या कहते हैं, बताइएगा, वायु के मुख्य अवयव को क्या कहते हैं। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। तो देखिएगा, वायु के मुख्य अवयव को गैस का एक मिश्रण, वायु का अवयव जो है गैस का मिश्रण है, जो वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि का एक मिश्रण है। किसका मिश्रण, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का यह एक मिश्रण है, यही आपका आंसर लिखना है सेकंड थर्ड का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पर अगला प्रश्न आपका यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन अस्थाई क्यों होते हैं। भौतिक परिवर्तन है वो अस्थाई क्यों होती है, बताइएगा। भौतिक परिवर्तन जैसे कि आपको बर्फ, पानी से बर्फ में लाना, फिर बर्फ से क्या हो जाता है, पानी में आ जाता है, मोम को पिघलना, इसको क्या है, भौतिक परिवर्तन है ना। क्या कहता है, भौतिक परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, भौतिक परिवर्तन जो है अस्थाई क्यों होते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, भौतिक परिवर्तन का फलस्वरूप किसी पदार्थ, यानी कि कोई सा भी पदार्थ का एक मूल्य, यानी कि अस्तित्व कायम रहता है। क्या रहता है इसमें, मूल अस्तित्व क्या रहता है, कायम रहता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन होने पर पदार्थ का अपना मूल्य जो है, अस्तित्व जो है, क्या करता था, खो देता है। इसी कारण जो है क्या रहता है, भौतिक परिवर्तन अस्थिर रहता है, यानी कि अस्थायी रहता है। जैसे आप लोग ले लीजिए, पानी से बर्फ को जमाना, यानी बर्फ फिर से पानी आ जाना, लौट जाना, ये सब क्या करता है, भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, इसमें क्या, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग ये लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने बिलियन से अवयवों का एक पृथक किया जा सकता है। देखिएगा, नमक और हम लोग बिलियन, किसी को अगर नमक को हम लोग घोल जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग अलग कैसे, पृथकीकरण में क्या होता है, अलग करना। ठीक है, क्या करना है, अलग करना, अलग करना। जैसे कोई भी गिलास यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, गिलास यहाँ पर ले लेते हैं, इसमें हम नमक डाल देते हैं, पानी इसमें डाल देते हैं, इसको हम घोल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा घुल जाएगा। तो इसको हम अलग कैसे करना, नमक को हमको अलग करने के बारे में, तो किसके कारण करेंगे, तो उसको हम वाष्पित द्वारा करेंगे, वाष्पित द्वारा विधि। देखिए यहाँ पर लिखना क्या है, वाष्पन विधि से हम लोग अलग करेंगे। जब उसको हम लोग गर्म करके वाष्प उसको उड़ा देंगे तो हमारा जो नमक बच जाएगा वो रह जाएगा। तो नमक के जलिए बिलियन को, जलिए बिलियन से जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। जब उसको गर्म करके हम लोग वाष्प में उसको पानी को जो है ना ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो गिलास में जो बच जाएगा, हमारा जो जो भी पदार्थ इसमें बच जाएगा, सारा वो नमक रह जाएगा। इसी को पृथकीकरण करना, वाष्पन विधि द्वारा करना, बस यही आपको लिखना क्या है, वाष्पी विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, पर देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, बारूद किन किन पदार्थ से मिला। तो बारूद जो है ना, कौन कौन पदार्थ से मिला, तो सोडा से मिला, जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, गंधक से मिला, और क्या मिला, चारकोल से मिश्रण से बना है। तो ये लिखना है, ठीक है, पहला में क्या लिखना है, सोडा जो है पोटेशियम नाइट्रेट से बना है, गंधक से बना है, और चारकोल मिश्रित से बना होता है। ये तीन चीज़ों से मिलकर क्या होता है, हमारा जो है बारूद पदार्थ बना होता है। ठीक है, बस यही लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
क्या हीरा एक तत्व है बताइए, क्या हीरा एक तत्व है? बिल्कुल हीरा एक तत्व है, क्योंकि कार्बन के एक अपरूप है। हीरा क्या है? एक तत्व है जो कि कार्बन का एक शुद्धतम क्या है, अपरूप है या रूप है। ठीक है, शुद्धतम क्या है? रूप है। हीरा क्या है हमारा? कार्बन का एक शुद्धतम रूप माना जाता है, यह तत्व है। बिल्कुल यह लिखना, हाँ तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बिलियन का परिभाषा, बिलियन जो है ना किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण बिलियन कहलाता है। बस लिखना क्या है, दो से दो या दो से अधिक पदार्थ क्या कहलाता है, समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक है, बस यही लिखना है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या निलंबन से ठोस का कण दिखाई पड़ता है? बताइए, निलंबन से हमारा ठोस जो है इसका कण दिखाई पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर देखना, निलंबन देकर आपको डैश देना, पहले क्या करना, निलंबन देकर यहाँ पर डैश देना। इसमें कण नगण्य आँखों से या सरल से माइक्रोस्कोप से दिखाई देते, क्या होता है नगण्य जो है, जो रहते नग्न कण, ये जो आँखों से नहीं हम लोग देख पाते हैं, जो कि इसे सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ता है, यही आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोहे के चूर्ण तथा थोड़े बालू का मिश्रण हो गए तो इसको मिश्रित करने, मिश्रित लोहे को पूर्ण पृथक करने, यहाँ पर भी बात किया जा रहा है, यहाँ पर अलग करना है लोहे को, क्या करना है यहाँ पर, थोड़ा चुंबक और लोहा, लोहा जो रहेगा उसको बालू में डाल देना है, उसके बाद उसको अलग करना है, किसको, तो लोहे चूर्ण को पृथक करना यानी उसको अलग करेंगे, तो किसके द्वारा करेंगे, तो चुंबकीय द्वारा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग को दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे अलग किया जा रहा है, देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा कैसे अलग किया जा रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आइए, आप लोग देखिए चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण आपको किस तरह से, देखिए यहाँ पर बालू है मिला दिया गया, इसमें लोहा जो है चुंबक द्वारा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय पृथक द्वारा अलग किया जाता है, यही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अब आगे क्या कह रहा है, चलिए अब आगे देखिएगा क्या लिखना है, तो चुंबकीय, चुंबकीय पृथक्करण से लिखना है। ठीक है, क्या लिख देना है, चुंबकीय पृथक्करण से अलग किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीन ऊर्ध्वापतित होने वाला पदार्थ को नाम लिखें। ऊर्ध्वापतित मतलब कि अपने आप जो है बिना गर्म किए, बिना कुछ किए क्या करता है, उड़ जाता है वाष्प के रूप में। ठीक है, तो उसको कैसे वाष्प के रूप में, वो अपना मतलब कि बिना गर्म किए क्या हो रहा है, वो वाष्पित हो जाता है यानी उड़ जाता है। ठीक है, उसको कैसे हम लोग उसका नाम लिखना, तो ऊर्ध्वापातन जो कौन है, अमोनिया को खुले स्थान पर छोड़ेंगे भी उड़ जाएगा, नौसादर भी उड़ जाएगा, कपूर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऊर्ध्वापातन है। ठीक है, जो कि बिना कुछ किए, गर्म किए बिना क्या करता है, उड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, मिश्रणीय द्रव क्या है, एक उदाहरण है, मिश्रणीय द्रव क्या है, तो लिखना है क्या, जब किसी कोलाइड, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मिश्री, हाँ मिश्रण द्रव को क्या कहते हैं, अल्कोहल प्लस जल मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण द्रव बन जाएगा। ठीक है, जल अल्कोहल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा मिश्रण ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर समझिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या, कोलाइड के कणों का संकंदन है, तो कणों का इसमें क्या कर, संकंदन है, बिल्कुल है, कैसे है, जब किसी कोलाइड बिलियन को उबाला जाता है तो उबालने से इसका कण, ठीक है, किसका, तो इसका कण जो है ना आपस में या माध्यम में दीवार के साथ होकर करने यानी कि क्या करता है, टक्कर करने लगते, जिसके कणों में अधि यानी क्या अधिशोषित परत पर छिन्न यानी कि छिन्न भिन्न हो जाती है। तो आंसर क्या लिखना, बस हाँ लिखना ये है। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या, इसका दो नाम बताइए किसका, तो जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट करने वाला पदार्थों का नाम लिखिए, तो कौन कौन, विरंजन चूक हो जाएगा और एक क्लोरीन गैस हो जाएगा, ये कर देगा नष्ट कर देगा जल में जितना भी आपका कोई भी कीटाणु न हो जाएंगे, सभी जीवाणु को क्या करेगा, मार देगा ये दोनों विरंजन चूक। ठीक है, एक विरंजन चूक और एक क्लोरीन गैस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता, बताइएगा, दूध से मक्खन हम लोग कैसे, मंथन द्वारा निकाला जाता है ना जी, किसके द्वारा निकाला जाता है, मंथन द्वारा, तो क्या लिखना, मंथन द्वारा, दूसरे जब हम उसको मथते हैं तभी उससे मक्खन निकलता है, ऐसे तो नहीं निकल जाता है, कुछ भी जैसे उसको क्या करते हैं, मथते हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं, तब उससे हम लोग मक्खन निकालते हैं, यही आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आयोडीन में धातु चमक होती है, देखिए आयोडीन तो धातु चमक होती है, पर आयोडीन धातु माना जा सकता है, नहीं, क्यों नहीं माना सकता है, ये धातु नहीं है, चमक तो होती है लेकिन ये धातु नहीं माना जाता, क्या लिखना, नहीं, ये धातु अधातु है, नमक क्या है, एक अधातु है। अगला प्रश्न को देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठोस गैसों मिश्रण का एक उदाहरण दे, ठोस गैस में एक मिश्रण का उदाहरण आपको देना है, क्या क्या उदाहरण देना है, तो मिट्टी और वायु, इसमें दो को हम दे दिए, आपको एक ही जवाब देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नमक के एक जलीय बिलियन का तनु बनने में एक छात्र ने गलती से जल के स्थान पर यानी कि एसीटोन कथनांक 56 डिग्री सेल्सियस पर मिला दिया, तो उस प्रक्रिया में नाम बताया, एसीटोन का पुनः
प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त होगा तो समझते हैं, प्रभाजी यानी कि श्रवण द्वारा क्या कर सकता है, वापस कर दिया जा सकता है, ठीक है, यही आपका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्मित पोटेशियम क्लोराइड एक संतृप्त बिलियन कमरे के ताप पर ठंडा किया जाए तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, तो समझिएगा क्या हो जाएगा। तो पोटेशियम जो क्लोराइड है वो क्रिस्टल बन के अलग हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन के क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब 60 सेल्सियस पर पोटेशियम को क्लोराइड के संतृप्त बिलियन के साथ जब ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्रिस्टल से अलग हो जाएगा। चलिए 20 का आंसर देखिएगा, यहाँ पर 20 का आंसर देगा, धुआं और कुहासा दोनों यानी कि एरोसॉल है, बताइए दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए धुआं जो है ये प्रक्षेपित प्रवस्था ठोस है, ठीक है, क्या कहता है, ठोस है, जबकि कुहासा एक प्रक्षेपित यानी कि प्रवस्था द्रव में है, ये द्रव में पाया जाता है लेकिन धुआं क्या पता है ठोस में पाया जाता है। देखते हैं जब कुहासा लगता है तो आप लोग देखते होंगे हल्का हल्का पानी से आप लोग को भींग जाता होगा, इसी का कारण, ठीक है, ये द्रव में होते हैं कुहासा, ठीक है। तो आपको समझ गए, आपका यही 20 आंसर आपको आती है, लघु उत्तरीय प्रश्न देना, अगला वाला वीडियो हम बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को इंतजार करिएगा, सारा वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले नए वीडियो में।